मंडे को ये फैसला सुनाया सभी ग्यारह दोषियों को दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं बिलगिस के साथ गैंगरेप हुआ था करीब बाईस साल पहले नंबर टू उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने का सिलसिला आज भी जारी है अ कोल्ड अलर्ट हैज बीन इश्यूड इन पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ एंड दिल्ली वहीं पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आज ओले गिरने की संभावना है देश के तेरह राज्य आज भी कोहरे की चपेट में दिखे कोहरे की वजह से ट्रेनों को लेट होने का जो सिलसिला है Uh, ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला वो अभी भी जारी है नंबर इस साल रिपब्लिक डे के मौके पर होने वाली परेड में दिल्ली की झांकी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है द आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली दैट इट हैज बीन सिंस द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिजेक्टिंग द टैबल्यू आखिरी बार 2021 में दिल्ली की झांकी परेड में देखने को मिली थी नाउ लेट्स मूव टू द इंटरनेशनल न्यूज बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को एक बार फिर चुनावों में जीत हासिल हुई है विपक्षी दल बीएनपी की uh, हड़ताल के बाद भी शी वन दिस इलेक्शन हर पार्टी अवामी लीग हैजन टू हंड्रेड एंड फोर सीट्स आउट ऑफ थ्री हंड्रेड सीट्स विद दिस विन शी विल बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाइक द द एग्जिस्टिंग वन फॉर फिफ्थ टाइम नंबर टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला बढ़ता जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स मालदीव सरकार ने अपने तीन मंत्रियों मरियम शिवाना मलशा शरीफ एंड मजूम मस्जिद को सस्पेंड कर दिया है इन्होंने ही पीएम मोदी और भारत को के खिलाफ टिप्पणी की थी इसके साथ ही बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने भी पीएम मोदी के लिए ट्वीट किया साथ ही साथ इंडियन आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने की अपील की इज माई ट्रिप अ पॉपुलर बुकिंग वेबसाइट हैज ऑल्सो सस्पेंडेड ऑल द फ्लाइट्स टू मॉलडीवस नंबर थ्री अन 16 ईयर ओल्ड बॉय अटैक्ट हिज फैमिली मेम्बर ऑन अ फ्लाइट इन कैनेडा इसके बाद पायलट को फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी ये बात तब की है जब एयर कनाडा की फ्लाइट संख्या 137 थ्री सेवन टोरंटो से कैलगरी जा रही थी टॉप हेडलाइन द रन मैच बिटवी राजस्थान का अगला मैच अब बारह जनवरी को होगा द मैच विल्ड बिटवीन महाराष्ट्र एंड झारखंड नंबर टू इन द ऑन गोइंग प्रो कबड्डी लीग टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर पुनेरी पल्टन वन फॉर द सेवेंथ कंजिव टाइम आफ्टर बीटिंग तमिल थे बीट बंगाल वॉरियर्स नंबर थ्री महिला भारतीय महिला टीम को टी ट्वेंटी सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छः विकेट की छः विकेट की हार का सामना करना पड़ा है इस जीत से तीन मैचों की सीरीज वन वन की बराबरी पर आ गई है uh, सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला नौ जनवरी को डी वाई पाटल स्टेडियम में खेला जाएगा लेट्स मूव टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट नाउ फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है अभी रिसेंटली उनकी सक्सेस uh, पार्टी भी हुई है हालांकि फिल्म और उसके डायलॉग से जुड़ी बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है हाल ही में जावेद अख्तर ने कहा कि जिस फिल्म में लड़की से जूते चाटने को कहा जाता है ऐसी फिल्म का कामयाब होना बेहद खतरनाक है अब जावेद अख्तर साहब की आलोचना के लिए काफी जवाब दिया है एनिमल टीम के एनिमल फिल्म की टीम ने और उनका कहना है कि अगर आप इस फिल्म को नहीं समझ पाए तो आपका सारा आर्ट फॉर्म झूठ है नंबर टू एटी फर्स्ट गोल्डन ग्लोब्स अभी रिसेंटली हुआ अनाउंस हुआ है में मशहूर डायरेक्टर जो हमारे क्रिस्टोफर नॉलन हैं उनको उनकी ओपनर हाइमर को बेस्ट पिक्चर समेत पांच और अवार्ड्स भी मिले वहीं फिल्म बारबी ने सिनेमैटिक और बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट अवार्ड अपने नाम किया टेलीविजन की दुनिया में स, फेमस सक्सेशन का जादू बरकरार रहा इट हैज वन फोर अवार्ड्स नंबर थ्री सलमान खान की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है एक्टर के फार्म हाउस में दो अनजान लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की है हालांकि उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है पूछताछ में पता चला कि दोनों शख्स खुद को सलमान खान का फैन बता रहे थे आ, उसके उनके पास फिर फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए इस वजह से दोनों पर एफ दर्ज हुई और उनको पुलिस ने धर लिया है मूव करते हैं बिजनेस न्यूज की ओर सेंसेक्स वाज डाउन बाय सिक्स पॉइंट्स क्लोज्ड एट 71,355 एट निफ्टी थ्री वाज डाउन विद 197 पॉइंट्स एंड क्लोज्ड एट

मस्त रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट थैंक यू